हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एफएम रेशियो के बारे में, या फूड मास रेशियो के बारे में, और हम उसके कैलकुलेशन के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो। तो हम लोग शुरू करते हैं एफएम रेशियो के बारे में। तो एफएम रेशियो, जैसा आप नाम से देखो, फूड, एफएम मीन्स फूड, सॉरी एफ मीन्स फूड और एम मीन्स मास। तो एफ फूड में आता है। फूड में आपका क्या क्या आता है? फूड में आपका हो गया BOD, CO2 और TOC, ये सब फूड हो गया। और जो एम होता है मास, मास में आपका आता है बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब मास में आता है। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक हो गया फूड और एक हो गया मास। उसके बाद आपका जो आता है फूड में, हाई फूड, लो फूड, या जिसे हाई एफएम रेशियो या लो एफएम रेशियो। तो हाई एफएम रेशियो क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, या वो प्रोसेस, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बारे में, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस मीन्स वो प्रोसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में प्रोसेस हो रहा हो, वो होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में आपका, जैसा कि मैंने बताया, फूड और मास, फूड और मास, ये दो चीज़ें होती हैं एफएम रेशियो में। तो जिसमें हाई फूड होगा, मतलब कि हाई एफएम रेशियो जिसे कहते हैं, तो हाई एफएम रेशियो मतलब क्या? हाई एफएम रेशियो मीन्स ये कि जो आपके एरेशन में फीडिंग की जा रही है, या आप जो एरेशन में फीड कर रहे हैं, उस वो आपने ज़्यादा मात्रा में कर दी है। मतलब कि जितना आपको करना चाहिए उससे आपके एरेशन में फीडिंग ज़्यादा हो गई है, तो वो आपका आ गया हाई एफएम रेशियो में। अब हाई एफएम रेशियो में, अगर हाई एफएम रेशियो आपके एरेशन में हो जा रहा है, तो क्या होगा, क्या उसके सिम्टम्स होंगे, कैसा क्या होगा? तो जब भी आप हाई एफएम रेशियो आपके एरेशन में हो जाएगा, या आप फीडिंग हाई कर देंगे, तो सबसे पहला काम ये होगा कि आपका एफ्लुएंट जो होगा वो टर्बिड हो जाएगा। और MLSS की सेटलिंग तो स्टार्टिंग में सही होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम सेटलिंग भी पुअर होने लगती है। तो हाई एफएम रेशियो में ये चीज़ें होती हैं। अब जैसा हम समझते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे, हाई एफएम रेशियो में क्या होता है? जैसे मान लो आप एरेशन में बैक्टीरिया है, एरेशन में आपका जो एयरोबिक बैक्टीरिया है, आप उसे लिमिटेड फूड दे रहे हो। लिमिटेड फूड, फूड मतलब लिमिटेड में, अभी मैं इसके बाद में लिमिटेड भी बात करूंगा। लिमिटेड फूड मतलब उतना ही उसको फीड किया जा रहा है जितना कि वो आसानी से उसको डिकम्पोज कर दे रहा है, और जो हमारा MLSS है वो हेल्दी भी रह रहा है, तो वो हो गया लिमिटेड फूड। अब हमने दे दिया उसे हाई फूड, तो उस केस में क्या होगा? अगर FM रेशियो हाई हो जा रहा है, तो फिर आपका एफ्लुएंट टर्बिड हो जाएगा और MLSS बिखरने लगते हैं, जिसे श्रिंक होना कहते हैं। MLSS बिखरने लगता, होता क्या है कि जैसे हमारे पास लिमिटेड फूड है, अब लिमिटेड फूड में बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पता है कि भाई हमारे पास देखो इतना ही फूड है, हमको इतना ही डिकम्पोज करना है और अपना पेट भी भरना है, और इसमें जो हमारा आउटलेट निकलेगा उसकी वजह से अच्छा निकलेगा। तो वो उस जितना लिमिटेड फूड होगा उतने पे ही वो अपने आप को उसके कैपेबल बनाएंगे, और जो भी उनका मेटाबॉलिज्म होगा उसके बेस पे वर्क करेगा। लेकिन अगर इन दैट केस आपका एफएम रेशियो हाई हो जा रहा है, आपने फीडिंग ज़्यादा कर दी, अब क्या हुआ, एक समय पे लिमिटेड फूड था, अब एक समय पे आपने क्या किया, उसमें फूड की मात्रा बढ़ा दी। जैसे कि मान लो आप, जैसे कोई जानवर है, किसी भी जानवर को ले लो, जैसे कि कोई भी बकरी, भेड़, कुछ भी ले लो, अगर आप उनको जैसे एक जगह पे चुगाने ले जाते हो या उसको घास खिलाने ले जाते हो, तो जितने एरिया में होगा वो उतने ही एरिया में, अपना अगर 10 है 20 है तो उतने एरिया में आराम से अपने उनको जो भी उनका खाना है उसको खाती रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपको, आपने उनको ऐसा एरिया दिखा दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके लिए खाने की चीज़ें उपलब्ध हैं, तो वो क्या होंगी, इकट्ठा ना होकर भागने लगेंगे चारों तरफ। इसलिए क्योंकि उनको फूड ज़्यादा दिखने लगेगा, और जो और भी उनके साथ में है उनको भी फूड ज़्यादा दिखने लगेगा, तो वो हर एक साथ में ना जाके अपना एरिया बदल देंगी। मतलब कोई किधर को भागेगा, कोई किधर को भागेगा, कि हम ज़्यादा फूड खा सकें, या हम ज़्यादा जो भी, आप जैसे मैंने उदाहरण लिया उसको, बकरी हो या भेड़ हो, कुछ भी हो,
आप अगर उसको दे रहे हैं खाना, तो वो यही सोचेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा खा सकूं, तो इस वजह से वो दिशा बदल बदल के एक साथ में ना वर्क करके अपना अलग अलग भागना चालू कर देंगे। सेम कंडीशन आपका बैक्टीरिया का होता है। अगर आप मान लो जैसे कि एयरेशन में आपने, जैसे मैंने बताया कि फीडिंग ज्यादा कर दी है, फूड ज्यादा हो गया उसका, तो फिर एयरेशन में क्या हो गया, फीड फूड की मात्रा ज्यादा हो गई। फूड की मात्रा मतलब बीओडी सीओडी टीओसी वगैरह आपने ज्यादा कर दिया। अब क्या है, हमारे पास जो बैक्टीरिया अब तक ये समझ रहा था कि हमारे पास लिमिटेड खाना है और उस बेस पे वो काम कर रहा था, अब ज्यादा खाना देख के वो भागने की कोशिश करेगा चारों तरफ। मतलब कि एक साथ में मिलके ट्रीटमेंट ना करके वो ज्यादा खाने के चक्कर में एरेशन के चारों तरफ भागना चालू कर देगा। तो ये होता है एफएम रेशियो, हाई एफएम रेशियो के रेट में। अब जब वो हाई एफएम रेशियो के रेट में ये चारों तरफ भागना चालू कर देगा ज्यादा खाने के चक्कर में, तो जो एक्स्ट्रा स्लज है, जनरेशन स्लज है, जो एक्स्ट्रा जनरेशन स्लज है, वो बहुत रैपिड हो जाएगी, मतलब बहुत तेज हो जाएगी। मतलब कि अगर आपने आज की आपकी स्लज 250 सेटेबिलिटी आ रही है, तो आप अगर मॉर्निंग में 250 चेक किए हैं, तो इवनिंग में वो 500 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है। तो हाई एफएम रेशियो में ये केस हो जाता है। तो अब इसके बाद आपका क्या होता है, फिर इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं कि अगर आप जैसे मान लो ये चीज़ हो गई, एफएम रेशियो हाई हो गया, फिर वो एक समय ऐसा आएगा थोड़े टाइम बाद, एक या 2 दिन बाद ही, या 24 आवर्स के बाद ही ऐसा आएगा कि वो जो उनके पास मेटाबॉलिक कंडीशन है, अब तक वो डिकम्पोजिशन का काम बहुत अच्छे से कर रही थी, वो उसे खो देगी। मतलब बैक्टीरिया हमारा ये काम करना बंद कर देगा। तो ये होता है हमारा हाई एफएम रेशियो। अब हम बात करते हैं लो एफएम रेशियो। तो सेम कंडीशन जो हाई एफएम रेशियो में होता है, वही सेम कंडीशन लो एफएम रेशियो में होता है। बस चेंज क्या हो जाता है कि जैसे कि आपने मान लो कि हाई एफएम रेशियो में फीडिंग ज़्यादा कर दी है, फूड ज़्यादा दे दिया है एमएलएसएस को, और लो एफएम रेशियो में फीड आपने कम दी है, मतलब खाने के लिए उनका उनके पास कम चीज़ें हैं। तो उस केस में भी यही होता है, हालांकि स्लज जनरेशन कम होती है, लेकिन जो बाकी मेटाबॉलिक कंडीशन खोने वाली बात है, वो सेम इस केस में भी होता है। अब आप आ जाइए लिमिटेड फूड में। लिमिटेड फूड में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लिमिटेड फूड में जब भी एरेशन में ये आप समझ लो कि लिमिटेड फूड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर लिमिटेड फूड नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा होगा या लो होगा, तो ये प्रॉब्लम्स जो है, हाई एफएम रेशियो, लो एफएम रेशियो, ये सब आनी आम बात है, बिल्कुल आएगी, जिससे कि आपका ईटीपी संचालन में बाधित हो सकते हैं आप ईटीपी संचालन में। तो इसके लिए हमें लिमिटेड फूड की तरफ जाना ज़्यादा जरूरी है। तो उसी के लिए ये हमारा फूड एफएम रेशियो का कैलकुलेशन होता है। अब लिमिटेड फूड में क्या है, लिमिटेड फूड में क्या किया आपने, फीड करा, फीड में बीओडी सीओडी टीओसी वगैरह आपने उसे दिया। अब हम वो क्या कर रहे हैं, उसको एक लिमिट में दे रहे हैं। मतलब कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो एयरेशन में बैक्टीरिया है, हम उसको उतना ही फीड दे रहे हैं जितना कि वो कंटिन्यू जो उसका मेटाबॉलिक कंडीशन है उस पर वर्क करता रहे। मतलब कि डीकम्पोजिशन का काम वो कंटिन्यू अपना करता रहे, उसमें कोई बाधित ना हो। जिसमें अगर स्लज जनरेशन भी होगी तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत रेयर होगी, थोड़ी थोड़ी स्लज जनरेशन होगी जिसको आप आसानी से ड्रेन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर स्लज जनरेशन आपकी फास्ट हो गई, स्लज जनरेशन बहुत रैपिडली फास्ट हो गई, तो आपको ड्रेन करने में भी वो नहीं जल्दी संभलता है। तो इस वजह से लिमिटेड फूड का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हमने बात करी फूड और मास की। मास में मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायो कल्चर्स, ये वगैरह सब मास में होते हैं। अब हमने इस पे भी बात कर ली, फूड मास पे, हाई एफएम रेशियो पे, लो एफएम रेशियो पे। अब हम समझते हैं, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि फूड मास रेशियो जो होता है, उनमें उसको जानने से पहले हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना एमएलएसएस और एमएलवीएसएस के बारे में। तो एमएलएसएस क्या होता है, एमएलएसएस जो होता है वो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स होता है, ये इसका फुल नाम होता है, या इसे स्लज भी कहते हैं। एमएलएसएस हम जानते हैं कि एरोबिक कंडीशन में ग्रो होता है, इसके लिए डीओ होना अत्यंत आवश्यक है, मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डीओ का, सही रेट में डीओ का होना। अब एमएलएसएस हम
जो चेक करते हैं MLSS को, स्लज की सेटेबिलिटी हम चेक करते हैं MLSS की, मतलब कि हम मेजरिंग सिलेंडर में भर के उसकी सेटेबिलिटी टेस्ट करते हैं, वो हमारा MLSS होता है। MLSS का ड्राई वेट भी निकाला जाता है, जैसा लैब में निकाला जाता है, और आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। उसको ड्राई करके ओवन में रख के पहले फिल्टर को ड्राई कर लिया जाता है, फिल्टर पेपर का इनिशियल वेट निकाल लिया जाता है, फिर उसके बाद ड्राई उसको किया जाता है आधे घंटे के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर उसके बाद आपका जो MLSS है, जितना भी आप सैंपल लेना चाहें, 40 50 जो भी लेना चाहें, उसमें आप ड्राई करके उसको फिर से ड्राई करना पड़ता है आधे घंटे के लिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो फाइनल वेट आता है। फिर हम कैलकुलेशन से MLSS का ड्राई वेट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा होता है MLSS। MLSS में बैक्टीरियल परसेंटेज कितना है ये ज़्यादा जरूरी है, मतलब कि जो हम मेजरिंग सिलेंडर में चेक करते हैं वो स्लज की सेटेबिलिटी टेस्ट करते हैं, कि मतलब कि 1000 में या आपका 500 में कितना स्लज सेटल्ड हो रहा है। हम उसमें ये नहीं पता लगा रहे हैं कि उसमें MLSS में बैक्टीरियल परसेंटेज कितना है, ये ज़्यादा जरूरी है। बैक्टीरियल परसेंटेज आपके MLSS में कितना है, उसके लिए हम निकालते हैं MLVSS, मिक्स्ड लिक्वर वोलाटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स। इसको निकालने के लिए हम 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं। उसके बाद जो भी उसमें ऑयल ग्रीस वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं सब वो ड्राइड हो जाती हैं, जो लास्ट का हमारा बचता है वही हमारा MLVSS होता है। ये हमारा, अब इसमें जो होता है जो हम निकालते हैं वो हमारा होता है एक्चुअल बैक्टीरियल परसेंटेज, मतलब कि MLSS में आपके 70 से 80% बैक्टीरियल परसेंटेज होना चाहिए, तभी आपका जो MLSS होगा वो अच्छी तरीके वर्क करेगा, या कह लें कि उसका जो भी मेटाबॉलिक कंडीशन होगा वो उस पे वर्क करेगा। कोई आपको प्रॉब्लम आपके ना एफ्लुएंट में आएगी और ना ही कोई आपके जो आपका एफ्लुएंट टर्बिड होना होता है, हेजीनेस होती है, वो चीज़ें नहीं आएंगी। इस वजह से हम MLVSS और MLSS निकालते हैं। तो MLSS और MLVSS ये दो चीज़ें मैंने बताई आपको, जिसमें कि MLSS जब भी आप मेजरिंग सिलेंडर में चेक करते हैं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसका ड्राई वेट भी निकालें और MLVSS भी निकालें। तो ये दो चीज़ें होगी। अब हम बात करेंगे FM रेशियो के कैलकुलेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि मान लो आप विंटर का टाइम चल रहा है, विंटर के टाइम में जब आपका जो भी एफ्लुएंट निकलेगा ट्रीटेड होके, वो क्रिस्टल क्लियर तो होगा लेकिन उसमें आप हल्की हल्की हेजीनेस नज़र आएगी, मतलब कि वो विंटर की वजह से होता है, उसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि आपका एफ्लुएंट टर्बिड हो गया है, थोड़ी थोड़ी आती है विंटर की वजह से। सेम समर में आपका जो होता है गर्मी के मौसम में ये चीज़ बदल जाती है, मतलब कि अभी जो आपकी हेजीनेस थी, आपकी जो हेजीनेस लग रहा था आपको, फिर वो समर में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मतलब ट्रीटमेंट लेवल आप अगर अच्छी तरीके ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ तक कंडीशन बन जाती है कि आप उससे जो भी आपका ट्यूबवेल वाटर है उसे कंपेयर कर सकते हैं, आपको बहुत नाम मात्र की चेंजिंग दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी बिल्कुल, अगर अच्छे तरीके से ट्रीट हो रहा है तो। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। अब हम उसके FM रेशियो के कैलकुलेशन की बात करेंगे कि FM रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो FM रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, FM रेशियो का ये फॉर्मूला होता है, FM रेशियो इक्वल्स टू होता है इनलेट फ्लो, मतलब कि हम पूरे दिन में जितना फ्लो ले रहे हैं मीटर क्यूब में पूरे दिन में, उसकी रीडिंग ये होगी इनलेट फ्लो में। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब BOD, मतलब BOD जो होगी वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगी, जिसको हम एस नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डिवाइड में होगा वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक, मतलब एरेशन की कैपेसिटी जितनी होगी, एरेशन की का वॉल्यूम जो होगा वो होगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई होगा MLVSS का जो किलोग्राम में हम निकालते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि MLVSS 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे फर्नेस में हम लोग इसको निकालते हैं, फर्नेस से। तो MLVSS जो निकलता है वो किलोग्राम में निकलता है, और जो BOD आपका निकलता है वो भी किलोग्राम मीटर क्यूब में निकलती है, और इसमें जो आप इनलेट फ्लो लोगे वो मीटर क्यूब में होता ही है पर डे का, 24 आवर्स का आपको इसको लेना है, तो आप FM रेशियो को कैलकुलेट कर पाओगे। आप
जब भी एफएम रेशियो निकालोगे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एफएम रेशियो आपके एरेशन में कितनी चल रही है और कितनी होनी चाहिए, और अगर ज़्यादा हो रही है, हाई हो रही है, तो हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, उस पर आप उसे वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, एफएम रेशियो निकाल रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी, आप इजी वे में इससे आप अपना एरेशन को आप वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से चला सकते हैं उसके प्रोसेस को। तो ये हमारा रहा कुछ एफएम रेशियो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को भाई सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करो। वीडियो देख के ऐसे आप लोग ना जाया करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मैं एटीपी से रिलेटेड ऐसी आसान और आसान भाषा में आपके सामने ऐसी ऐसी वीडियोज लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे भी आसान भाषा में लेके आऊँ। तब तक आप अपना ख्याल रखो।